बीजेपी वाले दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक के ऊपर, बने बनाए क्लिनिक के ऊपर पेशेंट अपना इलाज करवा रहे हैं। अंदर दवाइयां पड़ी थी, डॉक्टर अंदर पड़े थे, लोगों का इलाज चल रहा था, उसके ऊपर इन्होंने, बीजेपी वालों ने बुलडोजर चलवा दिए। तो ये बीजेपी वाले जो भी करेंगे, बीजेपी वाले जो भी आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, चिंता मत करना, मैं दीवार बन के खड़े हो जाऊंगा बीजेपी वालों के सामने, आपके ऊपर अत्याचार नहीं। बीजेपी वालों ने अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में है, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के एक झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल दें। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए, दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी। बीजेपी वालों ने ये स्कीम एलजी को कह के रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में। कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में है, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के एक झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल दें। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है, उसको उसका साथ देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश, उन्होंने धमका के अफसरों को रोक दिया, ये स्कीम कैबिनेट में नहीं ला रहे और इस स्कीम का जनता को फायदा नहीं हो रहा। दिल्ली को से बीजेपी वाले दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और एक बार 70 में से 3 सीट दी बीजेपी वालों को, एक बार 70 में से 8 सीट दी बीजेपी वालों को। अब ये इतने ज्यादा नाराज है, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो वो नफरत करते हैं दिल्ली वालों से, लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने सातों सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं? कभी एक बात इनमें से सातों में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई हो? कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने के 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे आप लोग। मैं क्या था? मैं कुछ नहीं था। दिल्ली की गलियों में घूमा करता था यूं ही। मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर एक एनजीओ चलाया करता था, परिवर्तन नाम की। क्या था मैं? मेरी क्या औकात थी? आप लोगों ने मेरे को इतना बड़ा बना दिया, इतनी ऊंची तरक्की दे दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता दिल्ली वालों, 7 जन्म में भी। तो ये बीजेपी वाले जो भी करेंगे,
बीजेपी वाले जो भी आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, चिंता मत करना, मैं दीवार बन के खड़े हो जाऊंगा बीजेपी वालों के सामने आपके ऊपर अत्याचार में। आज से कुछ साल पहले याद होगा आप लोगों को, एलजी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने रोक दिए थे। इतने गंदे लोग हैं, हमने दिल्ली सरकार ने कई मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उस टाइम एमसीडी में बीजेपी का राज था, एमसीडी को कह के मोहल्ला क्लिनिक पे बुलडोजर चलवा दिया इन लोगों ने। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक के ऊपर, बने बनाए क्लिनिक के ऊपर पेशेंट अपना इलाज करवा रहे हैं, अंदर दवाइयां पड़ी थी, डॉक्टर अंदर पड़े थे, लोगों का इलाज चल रहा था, उसके ऊपर इन्होंने, बीजेपी वालों ने बुलडोजर चलवा दिए मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर। लेकिन मैंने आपके मोहल्ला क्लिनिक रुकने नहीं दिए, रुकने दिए मैंने, इन्होंने 10 मोहल्ला क्लिनिक पे बुलडोजर चलवाए, मैंने 100 बनवा दिए। आज दिल्ली की गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बने पड़े हैं, दिल्ली के हर व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक का इलाज मिल रहा है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश करी, इन्होंने, एलजी साहब ने सीसीटीवी की फाइल पास नहीं करके दी। 1 साल 2 साल 2.5 साल हो गए, फिर आपको याद होगा मैं, गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, हम चारों एलजी हाउस में घुस गए और उसके घर में 10 दिन तक घर के अंदर उसके धरना देके बैठ गए हम लोग। आपकी सीसीटीवी की फाइल पास करा के लाया कि नहीं लाया? 2 साल लेट कर दी इन्होंने। अगर हमारी पूरी सरकार होती, दिल्ली में एलजी नहीं होता, तो 10 दिन में जो काम हो जाना चाहिए था वो 2 साल लग गए, लेकिन काम सारे कराए मैंने आपके। काम रुकने नहीं दिया आपके केजरीवाल ने, कोई काम नहीं रुकने दिया। आज आपको जान के खुशी होगी, हमारा भारत देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में है, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, इंग्लैंड से भी, लंदन से भी, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे डेंसिटी वाइज पर स्क्वायर किलोमीटर जितने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में है उतने किसी शहर में नहीं है पूरी दुनिया के अंदर।